यस वी आर लाइव नाउ। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे चंद्रयान 2 के बारे में, जो बेसिकली मून मिशन था, सेकंड मून मिशन कह सकते हैं इंडिया का, 22 जुलाई को जिसको बेसिकली फायर किया गया, या कहें तो सक्सेसफुली एक तरह से लॉन्च कर दिया गया है, और इसके बारे में बात करेंगे। ऑडियो वीडियो सब कुछ ठीक हो तो पहले बताओ, और फिर एक देखेंगे किस तरह से इसको थोड़े से एक अमेजिंग वे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, ताकि आपको याद रह सके और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो टीचिंग एग्जाम्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हों, क्योंकि टीचिंग एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा गहराई में जाके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ, जो मेन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में, एज अ नॉर्मल पर्सन भी अगर आप तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तब भी उनको डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल ऐसे समय थोड़ा सा लेट है, ऐसे रात में है सेशन, बट दैट्स ओके, समय ही नहीं मिल पाया बाकी डेली रूटीन से। और सबसे पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, और स्पेशली जिन लोगों ने इसके पीछे इतनी मेहनत की है चंद्रयान 2 के लिए, उन लोगों की एक बहुत बड़ी मतलब ऐसे प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए, और बिल्कुल पूरी तरह से मतलब ऐसी उम्मीद है कि ये सितंबर 7 को सक्सेसफुली अपना जो काम करने गया है वो कर पाएगा। ऑडियो वीडियो सब क्लियर होना चाहिए 2 के लिए, यहाँ से तो सब कुछ क्लियर है। तो ये देखेंगे कि किस तरह से जो इंडिया की लैंड रोवर चलेगी, मतलब ऐसे मान लो लैंड रोवर एक कार होती है, तो ऐसे कार चलाएंगे हम कहाँ, मून पर। तो लैंड रोवर इसलिए लिखा हुआ है, लैंड रोवर ऑन मून, तो ये याद करने की दृष्टि से लिखा गया है, इसको आगे समझेंगे। हाँ, स्टार्ट करते हैं। तो ये गर्व की बात हुई, चंद्रयान 2 गया है अभी, और चंद्रयान 1 अपना 22 अक्टूबर 2008 को गया था, कुछ 11 साल के बाद हमने चंद्रयान 2 को सक्सेसफुली 22 जुलाई को। इससे रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है, इसरो से रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें, और फिर लास्ट में कुछ एक समरी में पॉइंट होंगे जो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। स्टार्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सभी को। देखो चंद्रयान 1 जो था, चंद्रयान 1 से शुरू करेंगे, होपफुली आप देख पा रहे होंगे इसको प्रॉपर। चंद्रयान 1 22 अक्टूबर, या डेट नहीं भी ध्यान में रखनी है तो 2008 तो हम ध्यान में रख ही सकते हैं। स्पेशली जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वहाँ एक तो जो मून की सतह है वहाँ ये पता लगाया जाए कि पानी है नहीं है, है तो किस फॉर्म में है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में हमें नहीं मिला था, बिल्कुल आइस फॉर्म कह सकते हैं। तो ये इसकी खोजबीन करने चंद्रयान 2 को भेजा गया है, जो आपका साउथ पोल है मून का वहां पर, और इंडिया पहली कंट्री होगी जो साउथ पोल पर भेज पाएगी। जितने भी बाकी के 28 लैंडिंग हुई हैं आज से पहले, वो सभी क्या हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट पे या इक्वेटोरियल पोर्शन पे हुई है लैंडिंग, ठीक है। तो एक तो ये बात हुई, दूसरा भारत कौन सा देश, कितने नंबर का देश बनेगा, तो ये फोर्थ है ऑब्वियसली। पहला आपका रशिया था, फिर यूएस है, देन चाइना ने अभी दिसंबर में 18 दिसंबर को अपना कोई चिंग ई करके भेजा था, जो सक्सेसफुल रहा मिशन इनका चंद्रयान का, और अब इंडिया अगर सितंबर 7 को इसे सक्सेसफुल कर लेता है तो हम फोर्थ कंट्री बन जाएंगे। इससे पहले अटेम्प्ट जो है फोर्थ, वो इसराइल भी कर चुका है, बट वो उनका अटेम्प्ट फेल हो गया था, ठीक है। तो एक तो ये बात हुई, इसके अलावा इसको लॉन्च जो किया गया है वो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। ये कुछ कुछ डिटेल्स हैं जो ध्यान में रखते चले आप, लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लास्ट में पॉइंट सारे एक साथ मिल जाएंगे। तो श्रीहरिकोटा से आंध्र प्रदेश में सतीश धवन जो सेंटर है, 22 जुलाई को दोपहर में कुछ 2:45 करीब 2:43 पर मिसाइल इंपॉर्टेंट है, मिसाइल बोल रही हूँ मैं, रॉकेट इंपॉर्टेंट है। रॉकेट क्या है आपका, जीएसएलवी मार्क थ्री बेसिकली जियो सिंक्रोनस, लिख देती हूँ ना पूरा फुल फॉर्म ही लिख देती हूँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं। बस ये देखते रहना है कि इमेज पे ना लिखा जाए, ठीक है। तो जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल है,
MK3 मार्क 3 जिसको हम कहते हैं, जिसका निकनेम बाहुबली है, अपने आप में ही पावरफुल मिसाइल है, आज मिसाइल बोल रहे हैं बार बार, रॉकेट है इंडिया के पास। और इससे इसका अटेम्प्ट जो था वो पहला 15 जुलाई को होगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो जरूर देगा, एक डेट दे देगा 15 जुलाई, दूसरी 22, तो 22 जुलाई को इसका सक्सेसफुल बेसिकली हमने इसको लॉन्च पैड से लॉन्च किया है। अगर हम बात करें 15 जुलाई की, तो तब इसको स्थगित कर दिया था क्योंकि टेक्निकल ग्लिच की बात हो रही थी, जो ईंधन की वजह से कुछ इशू हुआ था। तो ये GSLV मार्क 3 याद रखना जरूरी है, और ये ऑर्बिट में ले जा करके छोड़ेगा। फिर इसमें 3 पार्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं चंद्रयान 2 के, बिल्कुल हाँ, रात को है सेशन कोई बात नहीं। चंद्रयान 2 के 3 पार्ट्स हैं जिनको ध्यान में रखना है, ये आपने इसलिए देखा भी है, लैंड रोवर लिखा गया है, 3 पार्ट्स हैं, 3 में एक तो ऑर्बिटर है जो ऑर्बिट करेगा चारों तरफ मून के, इसके अलावा दूसरा है आपका लैंडर, फिर है रोवर, तो इस तरह से बन जाएगी लैंड रोवर। ऑर्बिटर है अपने आप में, लैंडर का जो नाम है वो विक्रम है, विक्रम साराभाई बेसिकली, जिन्होंने इसरो की स्थापना की थी, और ये सभी जानते हैं इसरो के द्वारा इसको किया गया है, जो अपना अपना हाँ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो 15 अगस्त 1969 को एस्टेब्लिश हुआ था, और इसके जो हेड हैं वो K7 हैं, ठीक है, K7 या सिवन कह सकते हैं इनको। तो इस लैंडर का नाम विक्रम था, किसके नाम पे पड़ा, जो एस्टेब्लिश जनक कहा जाता है जिन्हें स्पेस रिसर्च का इंडिया के। इसके अलावा रोवर की अगर हम बात करें तो रोवर का नाम है प्रज्ञान, विच स्टैंड्स फॉर विजडम, ठीक है, तो ये प्रज्ञान है, सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, ये 3 पार्ट्स हैं, अब से पहले 3 पार्ट्स तो नहीं भेजे किसी ने, 3 पार्ट्स हैं जो साउथ पोल में जाकर के ये ऑर्बिटर रह जाएगा, पूरा सूचनाएं भेजने के लिए रोल करता रहेगा, और लैंडर जाएगा सॉफ्ट लैंडिंग करेगा एकदम से, जो ये विक्रम है, देखेंगे अभी इमेज में, मैं आगे दिखाई देती हूँ फिर आगे बढ़ेंगे। ये जो इसका ऊपर वाला पार्ट है इसमें है आपका ये पूरा कहानी, अब इसको देख लेते हैं, ये सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, ये जो लैंडर है इसके अंदर से जो निकल करके आ रहा है बाहर, ये है आपका रोवर, रोवर मतलब वहां एकदम जो टहल सकता है, एकदम आराम से घूमने गया है, ठीक है। तो ये मेन जो जानकारी लाएगा वो ये रोवर लेकर के आएगा, और ये कुछ 48 दिन में अब से ये सारी कहानी होने वाली है, सितंबर 7 को। तो ये जो रोवर दिख रहा है हमें यहाँ, ये आप देख पा रहे होंगे माउस क्लिक पे, ये जाएगा मेन, जो ये काम करेगा वो ये करेगा, और ये साथ में लैंडर रहेगा जो विक्रम है, और रोवर है आपका प्रज्ञान, इनका नाम याद रखना जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं अब इसी के साथ, हाँ बहुत बढ़िया पूजा, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं, अब ये थी मेन कहानी। और ये जो स्पेस वाला पूरा काम है, जो एक तरह से स्पेस की पूरी ओनरशिप है आज के टाइम पर, वो अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के पास है, तो ये भी ध्यान में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल हाँ, ऑर्बिटर लैंडर और रोवर, बिल्कुल ठीक है ऋतु, बहुत बढ़िया, आप लोग इस समय जगे हुए हैं। और इसरो का हेडक्वार्टर्स भी पूछ ले अगर बाय चांस, तो बेंगलुरु में है, लेकिन ये लॉन्च वहां से नहीं हुआ है, हमें पता है आंध्र प्रदेश से हुआ है, ठीक है, तो बेंगलुरु में है, जो 15th of August 1969 को एस्टेब्लिश किया गया था। धन्यवाद अंबिका। आगे बढ़ जाते हैं अब इसी के साथ, कुछ डिटेल्स को देख लेते हैं, फाइनल रिवीजन देख लेते हैं। इसका मेन मकसद अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यही है कि वहां का जो पूरा एक बेसिकली मून पे एटमॉस्फियर है नहीं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो पृथ्वी के मुकाबले सिर्फ 1/6 ही है, तो वहां जीवन की बेसिकली इंसान लगा हुआ है कि किस तरह से दूसरी जगह मिले जहां पे हम कुछ कुछ करें। अच्छा, भारत का एक और मिशन भी है जो गगनयान है, 2022 में जाएगा, कुछ 3 लोगों को, मतलब ये मैन वाला नहीं है, मतलब यहां पे कोई इंसान नहीं गया मिशन पे, मिशन मून, मून बोल रही हूं, चंद्रमा पे। इसके अलावा एक सेकेंड, तो ऐसे इंसानों को भेजा जाएगा गगनयान, जो अपना मिशन है मिशन गगनयान 2022 में, 3 क्रू, इसमें 3 लोगों की कैपेसिटी होगी बेसिकली, तो ऐसे कौन कौन जा रहा है बता देना। फिर हाँ,
बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अलका, ठीक है। तो इसमें अभी इंसान नहीं गया है, ये मैन वाला मिशन नहीं है, ठीक है। अभी तो ये जाकर के पूरा ये जो अपना प्रज्ञान है, जो रोवर है, ये पूरा यहाँ पे पता लगेगा कि भाई साउथ पोल में, क्योंकि वहां प्रकाश नहीं पड़ता है सूर्य का, तो वहां पानी की कुछ संभावना है या नहीं, या कुछ खनिज लवण वहां क्या मिल सकते हैं। तो बहुत सारी चीजों की ये इन्फॉर्मेशन निकाल करके लाएगा, जो हमें बाद में भी हेल्प करेगा। और चंद्रयान 1 भी हमारे लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल करके लाया था, जिसके बेसिस पे हमने ये वाले मिशन में भी हमने उसको यूटिलाइज किया है ऑब्वियसली, ठीक है। और एक और मजे की बात यह है कि ये 900 कुछ करोड़ में बना है, और बहुत चीप कह सकते हैं अगर हम इन कंपेरिजन टू बाकी देशों की बात करें, जो लोग अब से पहले जितने भी मिशन गए हैं, वो इंडिया कंपेरेटिवली इसरो जो है इस चीज में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा है कि कम पैसे में ज्यादा बेहतर काम कर पाते हैं हम, और पूरी तरह से मेड इन इंडिया चीजें हैं इसमें। हालांकि पहले रशिया ने कहा था हेल्प करेगा, बट वो सब तो हुआ नहीं, तो इंडिया पूरी तरह से इसरो को इसका श्रेय जाता है। ये सारा कुछ बनाना, जो पूरी अपना रॉकेट है GSLV से लेकर के, और सारी चीजें तो वो अपनी खुद की है हमारी, तो ये भी एक अपने आप में मजेदार और प्राउड मोमेंट वाली बात है। आगे आ जाते हैं, अब सारी डिटेल्स को एक बार रिवाइज करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, और फिर इसके बाद ये सेशन रैप करेंगे। ये छोटा सा सेशन था। हाँ 978 करोड़, बिल्कुल नहीं 600 करोड़ नहीं है। एक मिनट रुकेंगे, फिर बढ़ेंगे आगे। अब ये जो डिटेल आएगी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको करेंगे डिस्कस। हाँ तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। जो पहला पॉइंट है अपना, जो भी हमने डिस्कस किया है उसी का सार है एक बार, जिससे कि आप लोग रिवाइज कर सकें एक बार। चंद्रयान 2 मिशन जो है वो लॉन्च कब हुआ है, तो 22 जुलाई को, 22 जुलाई 2019 दोपहर में कुछ 2:43, बट टाइम तो पूछेगा नहीं, बट 22 जुलाई आप ध्यान रखेंगे। इससे पहले जो स्केड्यूल हुआ था ये मिशन, वो हुआ था आपका 15 जुलाई को, जो कि डिले हो गया बाद में 22 जुलाई के लिए। ये लॉन्च विंडो है, तो इसलिए इसको एक हफ्ते में ही जल्दी से सुलटा लिया गया, जो भी टेक्निकल ग्लिच था। इसके अलावा सेकेंड जो एक क्वेश्चन है कि कहां से लॉन्च हुआ, तो सतीश धवन स्पेस सेंटर आंध्र प्रदेश से। फिर है चंद्रयान 2 कब, किसकी मदद से, कौन सा वो रॉकेट है जिसकी मदद से इसको लॉन्च किया गया, तो GSLV Mark 3, मतलब जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, जिसको हम बाहुबली निकनेम है, जिसका सबसे पावरफुल रॉकेट है आज के टाइम पर। आगे बढ़ेंगे, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन चंद्रयान 2, कितने पार्ट्स हैं। 3 पार्ट हैं, एक ऑर्बिटर है, एक लैंडर है, और रोवर है। नेम क्या है रोवर का, प्रज्ञान है, जो स्टैंड करता है विजडम के लिए। व्हाट इज द नेम ऑफ इट्स लैंडर, लैंडर का क्या नाम है, तो विक्रम है, जो इसके लैंडर का नाम है। और विक्रम किसके बेसिस पे रखा गया है, जो इसरो की जिन्होंने स्थापना की थी, विक्रम साराभाई, उनके नाम के ऊपर। फिर है कौन सा जो पार्ट है वो लैंड करेगा, कौन से पार्ट में, मून के, तो साउथ पोल में। जितने भी आप अब से पहले जितनी भी लैंडिंग हुई है, कुछ 28, वो सब इक्वेटोरियल पोल में या इक्वेटोरियल पार्ट में हुई है, बट ये पहला होगा जो साउथ पोल में जाकर के लैंड करेगा। और सॉफ्ट लैंडिंग होगी, मतलब बहुत तरीके से, रफ लैंडिंग नहीं होगी, एकदम से रश नहीं कर सकते। फिर है इंडिया विल बिकम द 4th नेशन टू डू सो आफ्टर रशिया, US और चाइना के बाद। अब एक और चीज यहां पे याद आ गई, एक चीज और याद आ गई, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये आपने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। पहली बार पहले व्यक्ति आपको याद ही होगा, क्योंकि कुछ नहीं पता, इसके आसपास से जरूर पूछेगा कुछ ना कुछ, कोई भी एग्जाम हो, चाहे NVS हो या कोई भी आए आगे, DEET+ BI, KVS आए, टेट्स में तो पूछता नहीं करंट अफेयर। तो यहां से बेसिकली पहला व्यक्ति कौन गया था मून पे, आपको पता ही होगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969 में। इसके अलावा दूसरा, दो लोग, मतलब 3 लोग थे वैसे, बट 2 को मेन माना जाता है, पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग, फिर बज आल्ड्रिन, ठीक है, तो वो भी ध्यान में रखेंगे, US ने भेजा था। बहुत बढ़िया, हिंदी में सब कुछ हिंदी में ही है, मैंने आपको बोल के बता दिया हिंदी में, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बहुत 4-5 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, टीचिंग में वैसे भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं पूछता है, ठीक है। एक तो इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है, इसरो के हेड कौन है, के सिवान। स्थापना कब हुई थी, तो 1969 में। कहाँ है हेडक्वार्टर, बेंगलुरु में। कहाँ से हुआ है ये लॉन्च, तो आंध्र प्रदेश, AP से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जिसको श्रीहरिकोटा कहते थे पहले। इसके अलावा अगर हम बात करें तो व्हीकल कौन सा है, तो जियो सिंक्रोनस आपका व्हीकल है GSLV Mark 3, जो सबसे पावरफुल है, जिसको हम बाहुबली भी कह रहे हैं, निकनेम जो है। इसके अलावा और अगर इसमें कुछ बात करें, ये हुआ
साउथ पोल पर लैंडिंग होगी, जिसमें लैंड रोवर दो लोग हैं, मतलब तीन लोग हैं, ऑर्बिटर भी है, लोग नहीं है ये, ऑब्वियसली मशीन्स हैं। तो जो ये लैंडर है वो क्या है, विक्रम है, इनका नाम आगे पीछे मत कर देना, और जो रोवर है वो आपका प्रज्ञान है, ठीक है। इसके अलावा जो ऑर्बिटर है वो ऑर्बिट बेसिकली वो चक्कर लगाएगा मून की सतह के, जिससे कि हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो ये तीन चीजें हैं जो इसमें लगी हुई हैं। 22 जुलाई को गया है, 7 सितंबर को सक्सेसफुल होने के पूरे पूरे होना ही चाहिए, मतलब इसमें कुछ सोचना नहीं है, सब कुछ ठीक रहेगा। तो पानी की खोज एक तरह से होगी, और कुछ बेसिकली लाइफ के लिए जितने जो भी संभावनाएं वहां हैं उस सब का एक डेटा निकाल करके लाया गया, ये पूरा जो मिशन है। हाँ बिल्कुल, लूनर मिशन भी कहा जा रहा है। हाँ अभी 50 इयर्स हुए हैं, 50 साल हुए हैं आदमी को गए हुए ऐसे मून पर, 21 जुलाई अभी 2-3 दिन पहले की बात है, ठीक बिल्कुल। तो ये सारी कहानी थी जो इंपॉर्टेंट थी, क्लियर है। तो इसी को आप रिवाइज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है टीचिंग में, या ज्यादातर सभी एग्जाम्स में टीचिंग में क्या ये इतने ही क्वेश्चन इनफ है। चलिए फिर, अगर कुछ भी बेहतर होगा, जो भी स्पेशली इंडिया को प्राउड करने वाली बात है, और ये चीजें हमें पता भी होनी चाहिए, तो हमने इनको डिस्कस कर लिया। बहुत बढ़िया नेहा कुमारी, धन्यवाद, विश कीजिएगा अपने बेटे को, हेलो बोलिएगा मेरी तरफ से, धन्यवाद सौम्या। बाकी चलो मैं भी सोने जाती हूँ, अभी काफी थकान हो गई दिन भर से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलिए टेक केयर, गुड नाइट। दामोदर कुमार निषाद, बहुत दिन बाद दिखे आप। दबीर अहमद, हाँ एडविन थे, बज आल्ड्रिन, और आपके नील आर्मस्ट्रांग, बहुत बढ़िया। हाँ सुबह मिलते हैं 10 बजे, है ना। टेक केयर, गुड नाइट, ऑल द वेरी बेस्ट। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, जितने भी लोग आप जुड़े हुए हैं जहां भी, व्हाट्सएप टेलीग्राम फेसबुक, शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, और अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर करके जाइएगा। अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेहतर क्वालिटेटिव वीडियोज को हम बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ लेट्स लर्न पर, सीखने की कोशिश करते रहते हैं। टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड नाइट।